विदिशा जिले के कुरवई निकाय चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसको देखते हुए एक बार फिर नगर परिषद के बागडोर कांग्रेस के हाथ में जाती दिखाई दे रही है। कुरवाई में 15 वार्डों के लिए 54 प्रत्याशियों में भाजपा के 15, कांग्रेस के 15 और 24 अन्य ने चुनावी मैदान में उतरे थे। भाजपा और कांग्रेस और निर्दलीयों ने प्रत्याशियों ने जमकर मेहनत कर अपने आप को जनता के सामने पेश किया था, लेकिन बावजूद कुरवाई की जनता ने एक बार फिर कांग्रेस का परचम लहरा दिया है। कांग्रेस को 9, भाजपा को 4 और निर्दलीय प्रत्याशियों को 2 वार्डों से जीत हासिल हुई है। समर्थकों द्वारा जीते हुए प्रत्याशियों को द्वारा भव्य स्वागत किया गया। बिना चौराहे पर अजरुद्दीन खान को नारियल और फूलों से तोला गया। इसके पहले हसरुद्दीन खान नगर परिषद के अध्यक्ष थे। इस बार अध्यक्ष पद पर महिला के लिए आरक्षित होने के कारण उनकी पत्नी आयशा खान ही प्रबल दावेदार नजर आ रही। कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष हसरुद्दीन खान ने इसे जनता की जीत कहा है और भाजपा विधायक हरीश सप्रे ने परिस्थितियों को दोष देते हुए जनता का आभार व्यक्त किया है। विदिशा कुरवाई से आशीष सेले की रिपोर्ट। नगर परिषद के चुनाव परिणाम सामने आए हैं। 15 वार्डों में से 9 वार्डों में कांग्रेस विजयी रही है, 4 वार्डों में भाजपा के पार्षद जीते हैं और 2 निर्दलीय। तो अध्यक्ष की दौड़ में अब किसे माना जाएगा? कांग्रेस जिसको मैंडेट देगी वो चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस की परिषद बनाना है और ये विकास की जीत है। मैंने 5 साल कुरवाई में जो मुझे मौका दिया था जनता ने, मैंने कुरवाई बस्ती में जो काम किया, विकास किया, उसका नतीजा है कि आज हमारे 9-10 पार्षद कांग्रेस के जीत के आए हैं और आगे मौका मिला जैसा अभी काम किया था उससे अच्छा और काम करूँगा। नगर परिषद के चुनाव परिणाम आए हैं, क्या कहना है सर इसके बारे में आपका? पहले तो कुरवाई की जनता का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका निर्णय सर्वोपरि है। मगर अभी परिस्थिति के अनुसार हम संख्या बल में जरूर पीछे, 10 आज़ाद हुआ था 2010 में, पहली बार हमने नगर परिषद कुरवाई बनाई, यदि परिस्थिति अलग है और आने वाले जो नगर परिषद का अध्यक्ष परिस्थिति के अनुसार निर्णय हुआ। जनता का फिर मैं धन्यवाद देता हूँ कि पहले 2 थी, इस बार 4 है। जो हमारे 2-3 भाई हमारे में से चले गए हैं तो वो भी जीते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।